तो 22 जनवरी को होने जा रही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को देशभर के श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। प्रदेश के पानीपत में भी, आपको बता दें, प्रदेश के पानीपत में भी एक अलग ही रौनक जो है वो वहां पर देखने को मिल रही है। श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जहां पूरा देश राममय है, वहीं पानीपत का एक भव्य नज़ारा यहां देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से यहां पर श्री राम मंदिर शोभा यात्रा जो आज निकाली जाएगी उसको लेकर किस तरह की तैयारियां हैं। यहां पर एक माहौल जो आपको देखने को मिलेगा कि पूरा शहर तैयारियों में जुटा हुआ है और इस यात्रा का भव्य स्वागत यहां पर किया जाएगा। अलग अलग स्टॉल यहां पर लगाए गए हैं और लगातार अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री भी इस शोभा यात्रा में शामिल होंगे और हरियाणा बॉलीवुड के मशहूर गायक कैलाश खैर भी इस यात्रा में शामिल होंगे और हमारे साथ अभी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मौजूद है, उनसे ही जानना चाहेंगे। जी अध्यक्ष जी, किस तरह का माहौल आज पानीपत में रहने वाला है? पूरा पानीपत आज राममय है, प्रतिष्ठान बंद हैं और लोग अपने घरों से निकलकर सवेरे से ही, आप यकीन मानिए कि सवेरे 7 बजे ही लोगों के साइकिलों का जत्था अलग अलग कॉलोनियों के अंदर, अलग अलग एरियों के अंदर लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को उठाने के लिए कि उठिए जय श्री राम के नारों के साथ लोग यहाँ पर आएंगे और 4 बजे से यहाँ पर शोभा यात्रा हमारी प्रारंभ हो जाएगी। सर्व समाज के, सर्व धर्म की शोभा यात्रा है और इसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रसिद्ध कलाकार कैलाश खेर जी और अन्य बहुत से कलाकार इसके अंदर भाग लेने वाले हैं। पानीपत हमेशा जाना जाता है जैसे धार्मिक ऐतिहासिक नगरी पानीपत है, तो माहौल एक पानीपत में अयोध्या की तरह माहौल है, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह लोगों के अंदर खुशी है? देखो, ये हमारे 500 सालों के कड़े संघर्ष के बाद आज जो प्रत्येक भारतीय के चेहरे पर खुशी झलकी है, क्योंकि आज आप उठाकर देखिए, इतिहास उठाइए या आज का वर्तमान उठाइए, हम प्रारंभ सवेरे का शुरुआत ही राम राम से करते हैं। सभी को राम राम जी, अगर कोई जीने का है तो राम राम, मृत्यु पे है तो राम राम। राम हमारा जीवन का आधार है और आज भगवान श्री राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या के अंदर राम मंदिर में होने जा रही है, उसकी पूर्व संध्या पर जो कार्यक्रम है, ये हमारी आस्था का प्रतीक है, हमारी फीलिंग्स हैं। एक जश्न का माहौल है, पूरा पानीपत राममय है। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट।